40 रन तो नहीं बने बट कोई नहीं अगले मैच में ट्राई करेंगे। Hey guys, what's up? Welcome back to the channel again. I hope you guys are doing well. So, आज है हमारा match day. Feeling so happy, I cannot even tell you. भाई जब cricket होता है ना, मेरा अलग ही mood होता है. I don't know why overnight मेरे को पैर पे मोच कैसे आ गई. रात को जब मैं सोया था तब तक कुछ भी नहीं था और रात को जब हम लोग बाहर भी गए थे तब भी हम लोगों को ऐसा जंप हार्श जंप नहीं मारा था कि मेरे पैर में मोच आ जाए. अब सुबह उठा मैं वॉशरूम ब्रेक के लिए 10:30 से 11 बजे के आसपास, तो भाई फेल्ट की मोच आ गया. भाई आज अगर इंजरी की वजह से मैच मिस करा ना बहुत गुस्सा आ जाएगा. भाई बीटी वाला दिन जाएगा पूरा. अभी नॉर्मल वेट डाल रहा हूँ ना तो भी हल्का हल्का दर्द सा हो रहा है. I'm feeling so lonely, lonely, lonely. Ouch. क्या उखाड़ेगा घंटा, ये गाने हम डेली सुनते हैं भाई. रैप कर रहा है गलत ही. एक ट्रेंड चल चुका है इंडिया में और भाई आने वाले टाइम पे आई नो कि इंडस्ट्री बूम करने वाले. सो जो लोग भी रैपिंग करते हैं ना भाई वो लोग छोड़ना मत, बिकॉज यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा स्कोप है. एक बार ऑडियंस बन गई ना तुम्हारे तो गलत सपोर्ट करते हैं यार. एमिवे को देख लो भाई, कहाँ था जिसको लोग बोलते थे कि भाई रस को देख के कॉपी कर रहा है. रस के 5.5 या 5.6 मिलियन 6 मिलियन मान लो यार. बट अपना भाई 1.3 CR पे बैठा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.3 या 1.2 CR पे. अब उखाड़ लो घंटा, इसकी ये जनता क्या उखाड़ेगा घंटा. पीस आउट. सो भी प्लान ऐसा है, वासु एक मैच ऑलरेडी खेलने गया हुआ था गेवरा में, वो गेवरा से एशले को पिक करता हूं मेरे पास. अगेन वी विल बी गोइंग फ्रॉम हियर टू गुड़गांव. हमारा पता नहीं कौन सा ग्राउंड, ग्राउंड का नाम हां बताना भूल गया आप लोगों को. ग्रुप पे सब ये पूछ रहे निकला गया. ग्राउंड का नाम है 6 फ्लैग क्रिकेट ग्राउंड, दौलताबाद लिंक रोड, सेक्टर 103, गुड़गांव. नाइस. बाकी मिलते हैं गाड़ी में, बाय. देखो हर ग्रुप में एक लड़का होता है जो हाना हाना करता है, हमारे में शर्मा है. शर्मा को छोड़ चलो. मैं कह रहा हूँ छोड़ दो. सब कर लिया भाई, छोड़ दो. सो जस्ट रीच द ग्राउंड. शर्मा बोल रहा था भाई 5 मिनट और लगेंगे, हमने बोला 4 घंटे ले ले, वापस आके मिल लेंगे देर से. हाँ भाई सदमे में हूँ, ये मत डालिए. ऐसे होता है भाई, 5 मिनट भी वेट करना पॉसिबल नहीं क्रिकेट के लिए. अभी प्रॉब्लम हो गई है, यहाँ मेरे सामने क्रिकेट ग्राउंड है, छक्का मारते ही यहाँ पे गाड़ी जो खड़ी होती है ना उन पे आगे लगती है. ये भी इन लोगों ने मिड विकेट पे लगाई, यहाँ पे भी आगे ठुकेगी. मैं तो कहते इस ब्रेजा के पीछे लगा दो, लाइफ सॉर्टेड सी हो जाएगी. लगेगी तो ब्रेजा वाले को लगेगी, अपनी नहीं लगेगी भाई. ऐसे यहाँ मिड विकेट में ना लप्पे बहुत चलते हैं. और भाई जी बढ़िया भाई. और भाई बड़े लोग कैसे? ये नहीं चलेगा भाई, ये फुटबॉल वाला है, दूसरा IPL वाला लाओ. अबे अश्ले को बोलना जनकपुरी लगा के आ जाए. वो देख कहाँ डाल रहे हो, देख वो नहीं होते बच्चे जिनको गाड़ी नहीं मिलती. वही वही आएगा भाई मिड विकेट. ये तो लप्पे वाला एरिया हटा दे, इतना लंबा तो नहीं लंबा मेरे से ज्यादा कौन. हाँ धीरे धीरे तो इसकी आवाजी खत्म हो रही थी, कहता मेरे से लंबे कौन मारेगा. ग्राउंड तो क्रेजी लग रहा है यार, छोटा या बड़ा हो रन बनाने. भाई मेरे को तो लाइटें देखनी है. अब बेटा हर बार मैं नहीं बनाया रन, कैच नहीं होगी और भाई होगी. ये भी ठीक है, वासु छोड़ देता वैसे. कैसी बात है, डालियो का टॉस आ रही है तो गलत बज रहे भाई लड़के. टॉस तो भाई 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है यार. मैच नहीं पढ़ी यार इन लोगों ने, चार पढ़ा दे यार. मैंने तो खुद विदाउट मैच है यार, मैं कॉमर्स में क्या पढ़ाऊं. कौन आप कर रहे हो? आप हेड्स जीत जा भाई. चलो भाई सो लेट्स एंड द व्लॉग ओवर हियर. मिलते हैं आप लोगों के लिए व्लॉग में, तब तक के लिए ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट. सो द स्टेटस इज ओपोनेंट वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट. हमारी बैटिंग है, मैं और तुषार जा रहे हैं ओपनिंग में. कॉलेज के दिन याद आ गया ना? हां भाई हमारी पार्टनर, बट ऐसे ही होता था हमारी पार्टनरशिप. यहां से वैसे मुक्का मार के जाता था, सेम एनर्जी सेम इंटेंसिटी. अंदर जाके तुषार एक ओवर में बाहर आ रहा होता था. ये क्या मतलब है भाई? इसको ओपनिंग ओपनिंग मांगता था, घंटा नहीं इसको आज तक ओपनिंग एक बार भेजा था, अभी तक ओपनिंग मांगते है बैटिंग में. गजब बेइज्जती है. कैसी गंदी स्माइल दे रहा है भाई, ऐसे लग रहा है कि मनुष्यत दे रहा है कि भाई आज तो पहले नंबर पे आउट हो गया है भाई. विकेटकीपर कौन है भाई? ध्रुव भाई. आप क्या कर रहे हो? सही बात है. अगर केतन सामने कह रहे हैं कि बॉलिंग में गोप्रो लग रहा है, मैं कहा तेरे को बॉलिंग ही नहीं दे रहा. मैं वो एक्चुअली एक ही मैच का था जो ये 2-3 साल से गिनवा रहा है भाई. 4 साल हो गए, 4 साल हो गए इस चीज को. 4 साल का हो गया साले, 2 साल में तो बीबीए करे हुए भाई. वाइड है वो, कह रहा है कि आउट है. मेरे तो तेरे को मेन पता ही है कवर्स है.
सूर्य कुमार यादव यहाँ वाली बॉल को ऐसे मार रही है केएल थोड़ी सूर्य कुमार जो मारता रहा भाई भाई सूर्य कुमार यादव से ऊपर नहीं है भाई कवर्स में कोई ऊपर नहीं है भाई। इसके साथ भी तो हुआ था एक बार ये भी तो एक जाट से भिड़ गया था मैं नहीं अंश भिड़ा रहा अंश मेरे को बाद में बता रहा भाई मैं क्या करता यार वो इतना लंबा चौड़ा था और उससे पता है क्या होता अंश ना बॉलर है भाई ऑब्वियसली अगली बॉल आके ना ट्राई करेगा बाउंसर की उस विकेट में जान ही नहीं उसके कंधे पे चौका मार दिया उसने वो कह रहा भाई तुषार नाम है उसको जाट है वो मैं क्या करता मैं तो वापसी आ गया जो बल्ला बल्ला देता मुंह पे मैंने ताले भिड़ने क्यों गया था फिर बॉल डाल के अपना चुपचाप खड़ा होता है ये हरकतें करनी है तुम्हें मैंचो बीबीए का नाम वो कर रहे हो तुम मैंचो बीबीए का नहीं नाम तो बीस का था भाई कॉलेज में लॉन्डे डरते थे बीस के नाम से विकेट तुषार जा चुका है वापस एक नया बंदा आ रहा है लव नाम का उसका कभी मैं खेला नहीं हूँ नॉन स्ट्राइकर ना हाँ मैं आपकी स्ट्राइक है ठीक है बॉल थोड़ा स्किडी हो रहा है ठीक है देख के चलना ठीक है भाई रख दे यार पानी भी पी लूं आ जा वो भी रिकॉर्ड आ जा देखो फैन 30-40 का भाई क्रिकेट ही तो है 30-40 का वादा करके 10-12 पे आउट होके आ रहा है कट नहीं होना चाहिए नेक्स्ट मैच कट नहीं होना चाहिए नहीं होगा कट नेक्स्ट मैच मेरा चौका रिकॉर्ड हुआ था ना मेरा चौका रिकॉर्ड हुआ ना मेरा बोल्ड भी रिकॉर्ड हुआ वो कह रहा भाई तुषार नाम है उसको जाट है वो मैं क्या करता मैं तो वापसी आ गया मैच बल्ला बल्ला देता हूं मुंह पे बोल्ड तो कट होएगा चौका मेन है भाई हुआ है इसमें तो हुआ है ना पूरा हुआ इधर में हुआ है चौका मेन है भाई वो ओपनिंग शॉट मेरा तो पता ही है सहवाग में मैच ओपनिंग अब सिनेमैटिक शॉट बड़े तेज आ रहे तेरे आउट होने के बाद इसे पूछ एक और मैच खेलोगे क्या अच्छा इनको पाई दोनों बोल्ड होके आए तुम लोग मैं तो कैच रन बनाने के चक्कर आउट हो गया यार टीम को जरूरत थी रन साले ने इनसे ही मार दिया कप्तान साहब क्या चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुभम को बैटिंग देख तो मेरे को याद आ गया बेचारा रन आउट होता है प्रदर्शन कहा था कि मैं 30-40 रन मारूंगा उस पर क्या स्टेटमेंट देना चाहेंगे 30-40 रन तो नहीं बने बट कोई नहीं अगले मैच में ट्राई करेंगे जनता ने देखा था आपके सारे सब्सक्राइबर्स ने 8 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं मैंने ये बोला था कि 70,000 लाइक्स अगर लास्ट वीडियो में नहीं कराए तो नहीं बनेंगे अच्छा 70K लाइक्स टच करते हो तो आई विल ट्राई टू हिट हाफ सेंचुरी ऐसा और 70,000 लाइक नहीं आना सिर्फ 40,000 कुछ आए थे चलो जी इस वाली में करते अगले ब्लॉग में अगला खेलेंगे अगले वीक डेज में खेलेंगे ठीक है ट्यूजडे वेडनेसडे का भाई ने वादा किया हाफ सेंचुरी का तूने रिकॉर्ड बटन दबाया कि ऐसे कर रहा सब 15 मिनट से रिकॉर्ड हो रहा है क्या हुआ भाई एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाए चलो ये भी ठीक है क्या कर रहा है एशले यही तो करना है एशले 7 नंबर दिख ही नहीं रहा दिस इज व्हाट ही इज डूइंग आउट होने के बाद ये सब कर रहा है आज तुषार चलते आ रहा हूं मैं नहीं खेल रहा मैच मन नहीं बहुत खेल लिया इन बच्चों को खेलने दे भाई ये लोग पता है रिटायर्ड हट कराते थे हम लोगों को हां बोलते थे तेरे को गेवर वाला मैच याद है जब 150 रन बनाए थे इन लोगों ने बोला भाई बाहर आ जाओ और इनमें से भी दो तीन बंदे आउट हो गए 13 ओवर में चेस खेल लिए थे और ये बोले जा रहे थे कि यार रिटायर हो जाओ बैटिंग के लिए मर रहे थे बट कोई नहीं यार अभी बैक टू फॉर्म है ना थोड़ा टाइम लगेगा यार वो क्रिकेट ऐसे नहीं होता खेले यार देखा तो है डग आउट वगैरह बहुत मजा आता है जब पीछे तो गेवर वाला दिखता था ऊपर जो बैठे पीछे का गेवर ग्राउंड आगे का भी वो गेवर नहीं था एमसीजी हां एमसीजी मदन क्रिकेट ग्राउंड हां एमसीजी तो उसमें क्या था कि 3-4 ग्राउंड है वहां पे एक बीच में पवेलियन है पवेलियन के इस साइड ग्राउंड पवेलियन के उस साइड ग्राउंड हम पीछे वाले जो मैच चलते थे उनसे भी बकचोदी करते थे हमारे पास क्या होता था एक ग्राउंड का छक्का मारा वो दूसरे ग्राउंड में जाके बॉल गिर रही होती थी और ग्राउंड भी बड़ा होता था इससे तो बहुत बड़ा था वो ग्राउंड कॉलेज टीम के साथ तो पहली बार खेल रहे ना नाइट मैच बाकी अभी अंश आए वो जो बैटिंग के लिए मरते ना वो अभी अभी आया हाँ तो आप देख सकते हो A few inches later. वाह भाई मैंने कैमरा ऑन करा है भाई दो लड़के आउट हो गए अभी उधर से इधर तक आए हो मैं बोल रहा हूँ तेरे को वहां तक पहुंचते ना पूरी टीम बिगड़ जाए भाई क्या हो रहा है वापस चल ले यार ये सुपरस्टिशन वाला सीन हो रहा है वो सचिन पाजी वाला सीन नहीं था वर्ल्ड कप में सब आगे बिठा के रखा भाई बैठ यहाँ पे तू खिलेगा नहीं यहाँ से
सिचुएशन ठीक चल रही है बट विकेट ज्यादा गिर गया भाई, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी चार विकेट, बट कोई नहीं यार बहुत टाइम 9.366 में चार आउट ओपी भाई। ओपनर में बढ़िया प्लेयर आया था भाई, कौन है वो, कितने नाम का, अभी 100 की स्ट्राइक रेट भाई, पूरा डॉन ब्रैडमैन बन रहा है, स्ट्राइक रेट है बस, रन आउट ही है। आई वॉच दैट अगले कौन सा वाला टू कितने 135 है ना, 137 टू विन है एंड अब एक अच्छी चीज है भाई यहाँ पे स्पाइक्स अलाउड है तो कीपिंग वगैरह बढ़िया हो जाएगी आज। एक्सपेक्टेड था कि भाई 150 एटलीस्ट बनेंगे, 25 ओवर का मैच था, पैसे वाला हो गया भाई अब तो। 12 प्रो मैक्स भाई हाँ मैंने गिफ्ट करा है, मैं वन प्लस यूज कर रहा हूँ, वन प्लस 6 वो सुन लो भाई, भाई कह रहा सच, छक्के मारने का कंपटीशन चल रहा है क्या, आ जाओ। मैंने आज तक स्वेटर नहीं लिया यार, पता है दिल्ली में खेलते हैं बट फिर भी स्वेटर नहीं लिया, आज ठंड लग रही है तो स्लोली स्लोली चलो, उनको गलतियां करना है तो, लेकिन उतना रन नहीं है, हमें पूरा अटैकिंग रहना पड़ेगा, बॉलर अगर दो स्लिप चाहिए ले लो तो चौका ज्यादा जान, क्योंकि हम मैच एक ही सिचुएशन में जीत पाएंगे, दैट इज इफ वी टेक विकेट्स, चेंजेस रैपिड रखेंगे ठीक है। जैसा केतन, केतन लीड कर रहा है, केतन ने जो जिसको जहां बोला कुछ तू तू मैं नहीं, 3-2-1 जय माता दी। कहां जा रहा है भाई, आसू पॉइंट, पॉइंट पे तो अच्छा फील्डर रहता है, हां अच्छा फील्डर रहता है, जडेजा भाई तू अभी देखना है लेफ्ट आर्मर से किस कितने रन रोकता है तू, देखते हैं इधर तो देख लो, वासु थोड़ा बैकवर्ड रही हो, तनिष तू इधर ही रह, ठीक है तू, वासु थोड़ा बैकवर्ड रही, बोले ये वाला अच्छा था, वो यस हाउ इज दैट, हाउ इज दैट, नाइस गेम, लेट्स गो, बोल यार विकेट विकेटों में डालो, वो बाहर मारने को देख रहा है कुछ नहीं है, किसी का स्पिनर आएगा ना 6 ओवर कटिंग करके, तूने एक बैट पे डाला वो भले जान दे यहां का विकेट के इधर वो फील्ड ले ले, कोई दिक्कत नहीं, आकर चौका खा दे बट एक साइड की स्प्रिंट लाग दे, एक और चलो शाबाश यार, शाबाश शाबाश, 1 2 1। अभी एक विकेट तो अच्छी खासी मिल गई है भाई, दूसरे विकेट थोड़ी मुश्किल लग रही है बिकॉज दूसरा वाला चलाने वाला है, वो कहते हैं टिपिकल क्रिकेट में लप्पे मारने वाला, एग्जैक्टली वो यही कर रहा है, कैच, अबे यार पकड़ के चलो यार, अंपायर ने एक रन आउट था, आउट दिया नहीं, सब लोग चढ़ा रहे उसे, कह रहे कि अंपायर तेरे रन है जो मार रहा है, अरे बैट्समैन खुद चल पड़ा था यार, बैट्समैन कह रहे मैं आउट था, आउट था ना भैया, ये लो भाई उनकी टीम का बंदा बोल रहा आउट था, बंदा खुद ही जा रहा था, हाँ तभी अबे नॉन स्ट्राइकर भी बोल रहे हैं, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे, आज गोप्रो की बैटरी खत्म हो गई थी तो दैट्स व्हाई मैंने बिल्कुल रख दिया और हार गए आज, कितने विकेट से, नौ विकेट्स आ रहे, एक विकेट हम लोगों ने ली थी बस, वेडनेसडे को ट्राई करेंगे एक और मैच खेले, बट कोई नहीं यार क्रिकेट है, क्रिकेट इज लव भाई, क्रिकेट नहीं छोड़ना, भले 0 पे आउट हो जाऊंगा मैं 10 मैच आने वाले टाइम पे, क्रिकेट का कीड़ा है ना ये नहीं निकलेगा अंदर से, चाहे मैं 0 में कितनी बार आउट हो जाऊँ आज, बट कीपिंग करने में बहुत मजा आया, मैं रिवर्स चल रहा हूँ, सभी रखता हूँ कैमरा मैं भाई यार, एक तो एक कसम से एडिटर की सुविधा मिल जाए भाई, लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, और एडिटर मैं ऐसा वैसा नहीं रखूंगा, रखूंगा को अपना दोस्त ही रखूंगा जिसको वो मेरे साथ ट्रैवल करे एंड जहां भी मैं जाऊं, ऑब्वियसली आज व्लॉगिंग इज ऑल अबाउट ट्रैवलिंग, मैं कहीं भी जा रहा हूं तो मेन काम तो उसका तभी आएगा ना जब मैं ट्रैवल कर रहा हूं, जब मैं बिल्कुल थका हूं, मेरा मन ही नहीं एडिट करने का, और मेरे ऐसी सेम एडिटिंग कर पाए जैसे मैं करता हूं हमेशा, कुछ भी ऐसा कुछ यूनिक कॉन्टेंट हो तो उसको मीम बना दो भाई, सो लेट मी फर्स्ट हैव समथिंग, बहुत भूख लगी है, नीचे आके खाऊंगा दही बल्ले बने आज घर पे, साथ में थोड़ा सा हल्दीराम का भुजिया, उसके साथ पराठे या रोटी जो भी हो, और उसके बाद में 15-20 मिनट आधे घंटे बाद हल्का सा दूध, ओहो क्या नींद आएगी, सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर, अगर आप लोगों पसंद आया तो मेक श्योर टू द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, अगर आप लोगों को और वीडियोस देखने क्रिकेट ब्लॉग्स के रिलेटेड तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एक कमेंट करके जाएगा एंड प्लीज हिट द लाइक बटन, कैन वी हिट 70,000 likes in this one, so अगला मैच देखते हैं कब होता है यार हमारा पता नहीं, बट कोई नहीं, I will try my level best in the next match with the same energy and the same intensity, अब देखते हैं नेक्स्ट मैच कब होता है वो ग्रुप में डिस्कशन हो जाएगी, बट ये वाला ब्लॉग करते हैं एंड, गिव अ वैल्यूएबल फीडबैक, बाय बाय, टेक केयर, पीस आउट। अबे वो बैट का ना एंगल हल्का सा ये हो जाता है ना, चौका जाता है वो।
मैं तो टीम के लिए रिस्क नहीं लूंगा भाई, पूरा डॉन ब्रैडन बन रहा है। 68 है बस, रन 8 ही है, क्या पता एडिट कर दे। नहीं भाई, ये नहीं, वहां ये तो एडिट कर दूंगा।